हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल होम साइंस इनसाइट्स में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर DSSSB TGT डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, यू जस्ट नीड टू गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। टुडेज क्लास वुड बी रिलेटेड टू टीचिंग मेथडोलॉजी क्वेश्चन सीरीज फ्रॉम DSSSB प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन। सो आई होप यू विल लाइक द वीडियो। Let's quickly move to the video which I have recorded for all of you. Question number 1. A generalized view or preconception. Generalized view ka matlab ye hota hai ki ek generalized view liya gaya hai ya most of the people ki thinking hai ye view hai aur preconception. Preconception ka matlab hota hai matlab jo bhi humne pehle suna hai ya pehle humne uske bare mein ek apni raaye banayi hai. About attributes or characteristics that are or ought to be possessed by members of a particular social group or the roles that are or should be performed by members of a particular social group. What is this called? Basically, एक ऐसा माना जाता है, एक ऐसा view है जो attributes हैं और characteristics लोगों के that are or ought to be possessed by members of a particular social group. कोई social group है उनके अंदर ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जा रहे हैं और द रोल्स दैट आर शुड बी परफॉर्म्ड मतलब कि ऐसे रोल्स देखे जा रहे हैं उनके अंदर जो उन्हें परफॉर्म करने चाहिए तो उस ग्रुप को क्या कहा जाता है व्हाट इज दैट कॉल्ड मेन स्ट्रीमिंग पैरिटी स्टीरियोटाइप्स या सोशलिस्ट फेमिनिज्म प्लीज रिमेंबर प्री कंसेप्शन मतलब होते हैं जो सुनी सुनाई बातें हैं दकियानूसी बातें हैं स्टीरियोटाइप्स हैं So the correct answer is option number 3. Let's quickly move to question number 2. From which age in Kohlberg's moral development, aap sab jante hain Kohlberg ne moral development ki stages di thi, the controlling forces for making judgment are highly internalized. Matlab, jo bhi control kar raha hai, controlling force mein hai, kya uske paas pura authority hai ki wo judgment bana sakta hai, to wo kaun si age tak achieve ho jata hai? ऑप्शन नंबर 1 6 इयर्स ऑनवर्ड्स, ऑप्शन 2 8 इयर्स ऑनवर्ड्स, ऑप्शन 3 10 इयर्स ऑनवर्ड्स, ऑप्शन नंबर 4 इज 13 ईयर ऑनवर्ड्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 13 ईयर ऑनवर्ड्स, मतलब 13 साल से बड़ा बच्चा जो है वो जजमेंट्स बना पाता है। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस आर कंसीडर्ड एन इगैलिटेरियन वे ऑफ चूजिंग वर्दी एप्लीकेंट्स without risking influence peddling favoritism or other concerns basically aapko batana hai ki aisa kaun sa type ka examination india mein conduct karaya jata hai jo egalitarian matlab equality se choose karne ka right deta hai logo ko choose hone ka right deta hai plus usme koi bhi favoritism biasism kuch bhi nahi hai mera beta select ho jaye meri beti select ho jaye aisa kuch bhi concept nahi hai to ye kaun sa examination hai CBE भी कहा जाता है इसको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन OBE ओपन बुक एग्जामिनेशन कंपेटिटिव एग्जामिनेशन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो इसका आंसर आ जाएगा कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कोई भी कंपटीशन होता है उस दौरान आपको कोई भी अधिकार नहीं दे सकता कि आप चीटिंग करके या कैसे भी फेवरेटिज्म के थ्रू किसी का सिलेक्शन करा सके लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच टाइप ऑफ ड्रामा कौन सा टाइप का ड्रामा सेशन रिजेंबल्स अ रेसिपी कौन से टाइप का ड्रामा है जिसके अंदर रेसिपी होती है विद अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट प्रोड्यूस सिलेक्टेड लर्निंग आउटकम जिससे बंदा सीरीज ऑफ स्टेप से कुछ सीख सके ऑप्शन नंबर 1 प्रोसेस ओरिएंटेड ड्रामा ऑप्शन 2 होलिस्टिक ड्रामा ऑप्शन 3 लीनियर ड्रामा ऑप्शन नंबर 4 ओपन एंडेड ड्रामा द करेक्ट आंसर इज लीनियर ड्रामा क्यों क्योंकि लीनियर ऑर्डर का मतलब होता है जिसके अंदर भी आपको अलग अलग तरीके के स्टेप्स मिलते हैं अलग अलग तरीके का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 रीड द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन रिगार्डिंग इट्स ट्रूथफुलनेस आपको बताना है इन ऑप्शंस को पढ़ के इनमें से जो ऑप्शंस सच्चे हैं जो अपनी सच्चाई बयां कर रहे हैं ट्रूथफुलनेस Statement 1 managerial questions questions framed and used to keep the classroom operation moving aise question banaye gaye hain jisse classroom chalta rahe option 2 rhetorical questions
a series of questions that ideally require the students to go beyond the initial response. इसमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं. स्टेटमेंट वन कह रही है कि क्वेश्चंस ऐसे बनाए गए हैं कि क्लासरूम काम चलता रहे. स्टेटमेंट टू कह रही है कि एक ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज डेवलप की गई है जिसमें स्टूडेंट्स को अपने इनिशियल रिस्पांस के पार जाना पड़ेगा. मतलब स्टूडेंट्स को अपने रिस्पांस के आगे गो थ्रू करना पड़ेगा. लेट्स क्विकली मूव टू द करेक्ट ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर वन, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ऑप्शन टू, बोथ स्टेटमेंट सॉरी ओनली स्टेटमेंट टू इज ट्रू. ऑप्शन नंबर थ्री, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. ऑप्शन नंबर फोर, ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू. द करेक्ट आंसर इज ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू. तो क्वेश्चंस को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि क्लासरूम ऑपरेशंस जो है वो चलते रहे. लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स. विच टाइप ऑफ थिंकिंग इज केयरफुल एंड डेलिबरेट डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट और सस्पेंड जजमेंट. कौन से टाइप की थिंकिंग है जो ये बताती है और डेलिबरेट डिटर्मिनेशन के साथ बताती है, पूरी दृढ़ निश्चय के साथ, कि या तो मुझे स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना है या मुझे रिजेक्ट करना है या मेरे को इसको सस्पेंड करना है. तो आइए ऑप्शंस की तरफ. ऑप्शन नंबर वन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. ऑप्शन टू लॉजिकल थिंकिंग. ऑप्शन थ्री रिफ्लेक्टिव थिंकिंग. ऑप्शन नंबर फोर है क्रिटिकल थिंकिंग. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, क्रिटिकल थिंकिंग. लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवन. तो इसमें भी दो ऑप्शंस दिए गए हैं. लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट डेफिसिट इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन इन मल्टीपल लाइफ एरियाज एज वेल एज रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर. ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म सबको पता है एक डिसऑर्डर है. और दूसरी चीज उसके अंदर क्या आता है? जिसमें बच्चा सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन नहीं कर पाता मल्टीपल लाइफ एरियाज के अंदर, और बल्कि काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होके रह जाता है और वही पैटर्न ऑफ बिहेवियर को सेम रिपीट करता रहता है. स्टेटमेंट टू कह रही है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है जब बच्चा अपनी प्रॉपर अटेंशन किसी भी चीज को रिटेन नहीं कर पाता लंबे टाइम तक. तो ये क्या कह रही है? बाय अ परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी. इसमें आप इम्पल्सिव हो जाते हो, बहुत हाइपर हो जाते हो, और इन अटेंशन दैट इन्फर्स विद फंक्शनिंग एंड प्रेजेंट्स इटसेल्फ इन टू और मोर सेटिंग्स सच एज होम. तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है उसमें बच्चा हाइपर हो जाता है, थोड़ा सा इम्पल्सिव बिहेव करता है, ऑल्सो वो थोड़ी सी इन अटेंशन प्रेफर करता है काम की तरफ, अपने होम वर्क स्कूल और सिचुएशन की तरफ. वो वहां प्रेजेंट तो है, मेंटली फिजिकली प्रेजेंट है, पर मेंटली समवेयर वो प्रेजेंट नहीं है. तो क्या इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं जो करेक्ट हैं? ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू. बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ओनली स्टेटमेंट टू इज ट्रू. द करेक्ट आंसर इज बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. दोनों सिचुएशंस करेक्ट हैं. लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज the focal point of language production in which a finite set of rules can produce an infinite number of sentences. ऐसा क्या है जो focal point भी है language production का, जिससे आप language produce कर सकते हैं? एक finite set of rule है उसके अंदर, proper set of rules चल रहे हैं, और उसी से ही आप infinite number of sentences, मतलब बहुत सारे sentences को बना सकते हैं. ऑप्शन नंबर वन सिमेंटिक. ऑप्शन टू स्कीमा. ऑप्शन थ्री सिंटेक्स. ऑप्शन नंबर फोर इज फिनेटिक्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, सिंटेक्स. लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर नाइन. विच अप्रोच इज प्रोमिनेंटली फीचर्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर पैरिटी. जेंडर पैरिटी होता है जिसके अंदर जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो. द नोशन दैट कैन दैट एन इक्वल प्रपोर्शन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी एनरोल्ड इन एंड कंप्लीट स्कूलिंग. तो ऐसा कौन सा फीचर है? जेंडर डिस्पैरिटी होता है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है. जेंडर पैरिटी मतलब इक्वल, कि जहां पर बॉयज और गर्ल्स का इक्वल प्रपोर्शन माना जाएगा. एनरोल्ड का मतलब होता है स्कूल में कितने बच्चे एनरोल हैं और कंप्लीट स्कूलिंग किनकी हुई है. तो ये क्या है जो हमें बताएगा कि हम जेंडर पैरिटी अचीव कर रहे हैं? कौन सी अप्रोच है? ऑप्शन नंबर वन जेंडर डायनेमिक्स. ऑप्शन टू ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच. ऑप्शन थ्री वुमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच. ऑप्शन नंबर फोर है जेंडर इन डेवलपमेंट अप्रोच. द करेक्ट आंसर इज वुमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच. ध्यान रखिएगा, लड़कों को तो पढ़ाया जा ही रहा है, लड़कों को स्कूलिंग दी जा रही है, पर गर्ल्स को उन्हें ऊपर उठाना है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा अप्रोच का?
women in development approach. Let's quickly move to the last question of the series. In which stage of group dynamic group achieve optimum efficiency and work gets done? Kaun se stage ke group dynamics ke andar group mein optimum efficiency bhi achieve ki gayi hai aur work bhi proper hua hai? Storming, moaning, norming, performing. The correct answer is performing. So ye thi teaching methodology ki class. This is it. Welcome back friends, I hope you like the video. So please do not forget to like, share and subscribe the channel so that you can have all the videos which are free of cost. All the best to all of you. We will meet in the next video. Till then, take care. Okay.